हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फीज एकेडमी, बी योर बेटर सेल्फ। तो हमने लास्ट वीडियो में 2020 स्लॉट 2 की एक पजल ट्राई की थी। आज हम अगली पजल की बात करते हैं, देखते हैं उस पजल में क्या है, कितनी डिफिकल्टीज है और आपका क्या सोल्यूशन निकल के आता है और हमारा क्या आता है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो है हमारी ये पजल नंबर 2, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज आर्ट सेमिनार है, वन फॉर ईच ऑफ द 8 डॉक्टर स्टूडेंट्स है। ये स्टूडेंट्स के नाम है ए से लेके एच तक। 4 इकोनॉमिक्स से हैं, 3 सोशियोलॉजी से हैं, 1 एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से है। तो 4, 3, 7 और 1 8 हो गए, 8 स्टूडेंट हो गए हमारे। एंड हर एक स्टूडेंट को गाइड करते हैं, यहाँ पे PQRS टीम में से हैं। तो 5 फैकल्टीज हैं जो इनको मेंटोर करती हैं। 2 स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाई ईच ऑफ PRT। तो 2 को पी करता है, 2 को आर करता है, 2 को टी करता है, तो 6 तो ये हो गए। एंड 1 स्टूडेंट इज गाइडेड बाई ईच ऑफ QNS। एक को क्यू करता है, एक को एस करता है। तो इस तरीके से 8 स्टूडेंट, 4 इकोनॉमिक्स से, 3 सोशियोलॉजी से, 1 एंथ्रोपोलॉजी से, 5 फैकल्टीज हैं, 2-2-2 को PRT करते हैं एंड 1-1 को QNS गाइड करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय अ गाइड बिलोंगिंग टू देयर डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए इकोनॉमिक्स का है तो उसको इकोनॉमिक्स का मेंटोर ही गाइड करेगा, ऐसा नहीं कि ये सोशियोलॉजी का करेगा। लाइक नॉर्मल चीज है ये। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट जिसका PhD करने जा रहे हो या कोई भी ऐसा है सेमिनार है तो जिस सब्जेक्ट का जो होगा उसी को गाइड करेगा। ठीक है जी, पहला पैराग्राफ समझ आ गया हमें। सेकंड में कहता है ईच सेमिनार इज टू बी शेड्यूल्ड इन वन ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव 30-मिनट स्लॉट। ओके, स्लॉट्स के टाइमिंग दे रखे हैं 9, 9:30, 10 एंड 10:30। ये 4 स्लॉट्स हैं, इन 4 स्लॉट्स में ही हमारे जो सेमिनार्स हैं वो कंडक्ट होने हैं। मोर देन 1 सेमिनार कैन बी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट प्रोवाइडेड द गाइड इज फ्री। ठीक है जी, ओनली 3 रूम्स आर अवेलेबल और इसी वजह से 3 रूम्स अवेलेबल है तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में 3 सेमिनार ही कंडक्ट किए जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे मतलब 9 बजे 3 सेमिनार अलग अलग रूम में हो गए, 9:30 बजे 3 अलग अलग रूम में 3 सेमिनार हो गए, तो मैक्सिमम 3 सेमिनार्स किए जा सकते हैं एक टाइम स्लॉट में। अब ये लाइन जो कह रहा है स्टूडेंट्स हु आर गाइडेड बाय द सेम गाइड मस्ट बी शेड्यूल्ड इन कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 9 बजे टी किसी को गाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे टी किसी को गाइड कर रहा है, तो अगला जो स्टूडेंट है जिसको टी गाइड करेगा वो 9:30 बजे होगा इन द कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स हु आर गाइडेड बाई द सेम गाइड, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम गाइड, जैसे टी मैंने यहाँ पे लिया, टी जिनको भी 2 स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होगा वो मस्ट बी शेड्यूल इन द कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट। ठीक है, तो अगर 9:30 बजे कर रहा होगा तो उसका अगला जो स्टूडेंट है, दूसरा जो स्टूडेंट है, तो या तो वो 9 बजे रहा होगा या 10 बजे इन द कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट। तो हमें इस लाइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाइनली फिर उसने कुछ फैक्ट्स बोले हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से हमें बताना है। तो इसमें कमल है स्टूडेंट, स्टूडेंट का सब्जेक्ट कौन से डिपार्टमेंट से, मतलब वो कौन उसका मेंटोर है एंड किस टाइम स्लॉट में उसका सेमिनार कंडक्ट हुआ है, राइट। हमें ये सब चीज़ें देखनी है, इसके पॉइंटर्स को ध्यान में रख लेते हैं और हम हमारी देख लेते हैं कि टेबल कैसी बनेगी। तो ये जो है हम इस टेबल में अपना डेटा फिल करेंगे, पर्सन होगा, डिपार्टमेंट, मेंटोर, उनका टाइम स्लॉट। ठीक है जी, अब हमें जिस चीज़ का ध्यान में रखना है जो हमने अभी पढ़ी थी चीज़ें, 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स से, मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, 4 है इको के, 3 है सोशियो के एंड 1 है एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, साथ में इसने ये भी बोला था कि PRT ये तीनों जो है वो 2-2 स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। ठीक है, ये लिखो है मेंशन है 2 स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय PRT एंड 1 बाय QNS 1-1। ठीक है, ओके, कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट वाली लाइन भी है। देन कह रहा है सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स। तो पहले हम यहाँ पे पर्सन में बंदों के नाम लिख लेते हैं ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। सेमिनार्स में स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स। इसका मतलब ये है कि जो 4 सेमिनार है इकोनॉमिक्स के वो 4 स्लॉट्स में हुए हैं, एक 9 बजे हुआ है, 1:30, 1:10, 1:30 बजे। ठीक है, 4 सेमिनार इकोनॉमिक्स के 4 अलग अलग स्लॉट्स में हुए हैं। ए इज द ओनली सेमिनार, ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज शेड्यूल्ड 10 AM। ए का जो सेमिनार है केवल इकलौता ऐसा सेमिनार है जो 10 बजे हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 10 बजे है वो 10 बजे के स्लॉट में किसी और का सेमिनार नहीं होगा। तो ए हमने लिख लिया 10 o'clock पर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इकोनॉमिक्स का सेमिनार तो हर जगह होना है, मतलब हर स्लॉट में होना है और 10 बजे भी होगा, और 10 बजे सिर्फ ए का ही सेमिनार होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो यानी ए कौन से उससे हो गया डिपार्टमेंट से, इकोनॉमिक्स से, बिकॉज इकोनॉमिक्स का हर स्लॉट में होगा और ए का 10 बजे ए का ही इकलौता होगा, इसके अलावा 10 बजे और कोई नहीं होगा सेमिनार, तो ए का हो गया इकोनॉमिक्स। एंड देन कह रहा है ए इज गाइडेड बाय आर, तो यानी जो आर है वो इकोनॉमिक्स का ट्यूटर है या मेंटोर है। ठीक है,
अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, जो मैं कह रही थी कि कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट वाली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मुझे पता चलेगा आर का जो अगला स्लॉट होगा वो 10:30 होगा कि 9:30, क्योंकि आर जिनको भी सिखाएगा, मेंटोर करेगा, जिनको भी सेमिनार देगा, जैसे ए में से एक तो गया ए, जो अगला कोई और स्टूडेंट होगा जिस उसको जो आर गाइड करेगा वो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट में होना चाहिए। एक अगर 10 बजे कर रहा है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट हमारा है तो 10:30 होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, दैट डजंट मीन कि अगला होगा कि पिछला होगा, लगातार होता है। 9:30 इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव, बट थिंक अबाउट इट, अगर मैंने किसी को 9:30 दे दिया और किसी को 10 दे दिया, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट हो गए, तो जो 10:30 वाला फैकल्टी होगी, 10:30 का कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट तो सिर्फ 10 हो सकता है। बात को समझ रहे हो? मैं आगे भी इस चीज़ को क्लियर कर सकती हूँ कि कैसे होगा, बट अभी समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आर का 10 बजे है, ठीक है, 10 का कॉन्जिक्यूटिव 10:30 भी होता है, 9:30 भी होता है। अगर मान लो मैंने इसको आर को दो स्लॉट से ले लिए, 10 एंड 9:30, ठीक है, तो जो 10:30 बजे वाली जो भी फैकल्टी है, लेट्स से क्यू है, सॉरी क्यू क्यों होगी, क्यू तो एक कोई कराता है ना, अब तो क्यू ए से हो सकते हैं, बट अगर मान लीजिए पी है, लेट्स से ये दो स्टूडेंट्स को कराता है, तो अगर 10:30 पे पी कराता है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट तो 10 ही बचा, बिकॉज हमारे पास स्लॉट्स 9, 9:30, 10:30 ही अवेलेबल है, 11 का तो स्लॉट ही नहीं है, तो पी का कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट 10 बजे का, बट 10 बजे तो सिर्फ ए ही करता है, 10 बजे सिर्फ एक ही सेमिनार कंडक्टेड है, कोई और सेमिनार ही नहीं है। इससे समझ आ गया कि आर का जो अगला होगा कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट वो 10:30 होगा, ना कि 9:30। नहीं समझ आया, हम आगे भी इस चीज़ को एक बार फिर से कर लेंगे, पहले एक बार भर लेते हैं जो जो भी इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, लास्ट में जो बच जाएगा मुझसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। कह रहे थर्ड पॉइंट में एफ इज एन एंथ्रोपोलॉजिका, एफ का एंथ्रोपो दे दिया, एंथ्रोपोलॉजी का सेमिनार, एंथ्रोपो होता क्या है मुझे कॉमेंट में लिख के बताइएगा। हुज सेमिनार इज शेड्यूल्ड एट 10:30 AM, ठीक है जी, 10:30 AM। फोर्थ कह रहे हैं द सेमिनार ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट इज कंडक्टेड एट 9 AM, ओके, देखते हैं सोशियोलॉजी का कौन सा है, 9 AM पर होगा सोशियो का, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट में कहता है बी एन जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हुज सेमिनार शेड्यूल इन द सेम स्लॉट, ओके, बी एन जी आर बोथ सोशियो, सोशियो के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सोशियो के 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 तो बी एन जी हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से ही कोई एक 9 बजे का स्लॉट में आ रहा हो, 9 बजे ये है, एंड दोनों बी एन जी, उसने बोला है कि दोनों का ही सेमिनार इन दी सेम स्लॉट होगा, तो अगर बी 9 बजे है तो जी भी 9 बजे होगा इस केस में, मतलब आई एम सेइंग कि 0.4 एंड 5 हो सकता है कि क्लब होके एक ही स्टूडेंट को रेफर कर रहे हैं, और हो सकता है कि बी एन जी के अलावा जो तीसरा सोशियो का स्टूडेंट बच गया है ना उसके लिए ये पॉइंट बोला गया हो कि वो 9 बजे होगा, ठीक है। कह रहे थे सेमिनार ऑफ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाई टी इज ऑल्सो शेड्यूल इन द सेम स्लॉट, ओके, तो यानी बी जी एंड जो टी का स्टूडेंट होगा उनका सेम स्लॉट है। अभी मेरे को स्लॉट मालूम नहीं, 9 बजे भी हो सकते, कोई और भी हो सकते हैं, ओके। पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एन सी, ओके, अभी हमें यहाँ पे समझ आ गया, पी जो है वो बोथ बी एन सी दोनों को गाइड कर रहा है, बी तो सोशियो का है और अगर वो सी को भी गाइड कर रहा है, विच मीन सी भी जो सोशियो डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, दोनों का मेंटोर पी हो गया। हैज स्टूडेंट शेड्यूल इन द फर्स्ट टू स्लॉट्स, फर्स्ट टू स्लॉट्स कौन से हो गए मेरे, 9 बजे एंड 9:30, 9, 9:30 बजे, यानी एक का 9 बजे, एक का 9:30 बजे। अब आई हैव टू क्लब पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6, इन तीनों पॉइंट्स को क्लब कीजिए। सोशियो का एक 9 बजे होगा, ठीक है, बी एन जी का स्लॉट सेम है, बी सी का फर्स्ट टू स्लॉट में होगा, तो अगर मान लीजिए मैं बी का 9 बजे मान लेती हूँ, लेट्स से बी का मैंने 9 बजे मान लिया, ठीक है, तो जी का भी 9 बजे होगा और टी जिसको गाइड कर रहा है उसका भी 9 बजे होगा, ठीक है, इकोनॉमिक स्टूडेंट टी यानी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, सी का फर्स्ट टू स्लॉट में है तो यानी सी का 9:30 पर हो गया, ये वाली बात बन सकती है, बिल्कुल। तो अगर ये वाली बात हो गई तो बी का 9 बजे हो गया, जी का 9 बजे हो गया एंड सेम स्लॉट टी वाला जो है वो भी 9 बजे जाएगा इस हिसाब से। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि बी का 9:30 हो गया, जी का 9:30 होगा, टी का 9:30 हो गया, सी का 9 बजे हो गया, दूसरा सिनेरियो हमारा ये बन सकता है, ओके जी। देन कह रहा है ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन द टू कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स। अब जो ये वाली लाइन है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स वाली, ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन टू कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि जी का 9 बजे है कि 9:30 बजे, क्योंकि ए का कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हो जाएगा इस हिसाब से, 9:30, राइट।
एक अब 10 बजे होता है उसका कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट, या तो 10:30 होगा या 9:30 होगा, बट मेरे पास जी के दो ही ऑप्शन अवेलेबल है 9:30 और 9, तो अगर दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करूंगी तो जी का 9:30 आ जाएगा, जी का 9:30 आया तो बी का भी 9:30 आ जाएगा, सी का 9 आ जाएगा, एन टी जिसको पढ़ा था उसका 9:30 आ जाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स मुझे कंबाइन करने होंगे पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है। 4, 5, 6 से हम इस ऑप्शन तक आ गए थे कि बी का या तो 9 होगा या 9:30 होगा, बी एंड सी का, तो बी का 9 है, जी का 9 है, टी का 9 है, सी का 9:30, बट उसने बोला कि भैया ए और जी का कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट्स है। अब ए का 10 बजे पता है, 10 का कॉन्सिक्यूटिव 9:30 या 10:30 होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो जी का 9:30 निकल के आएगा, तो आई जस्ट ड्रॉप इट और हम यहाँ पर बी जी का 9:30 लिखेंगे ताकि वो ए के साथ कॉन्सिक्यूटिव आ जाए, जी का 9:30 हुआ तो बी का भी 9:30। तो अब उस हिसाब से पॉइंट नंबर 4 सोशो का एक स्टूडेंट 9 बजे हो जाएगा, एंड इनमें से एक फैकल्टी होगी जिसको टी पढ़ा, सॉरी एक स्टूडेंट होगा जिसको टी करा रहा है, उसका भी स्लॉट मेरा 9:30 हो जाएगा, ठीक है। अब 9:30 बजे क्योंकि बी और जी तीनों का सेम स्लॉट होना चाहिए, बी जी एंड टी, टी जिसको भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अगर 9:30 बजे एक स्लॉट होगा तो टी का अगला स्लॉट कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट, फैकल्टी वाली ये वाली लाइन को भूलिएगा मत, सेम गाइड स्केड्यूल्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट, तो टी का अगला जो भी वो जिस दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएगा उसका स्लॉट का टाइमिंग क्या होगा, 9:30 का कॉन्जिक्यूटिव, 9:30 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, या तो 9 होता है या 10 होता है। 10 बजे उसने कहा है कि 10 बजे सिर्फ एक ही सेमिनार हो रहा है जो ए कर रहा है, आर उसको गाइड कर रहा है, तो यानी टी का दूसरा सेमिनार जो होगा जो दूसरे स्टूडेंट को करा रहा है वो 9 बजे कराएगा, ठीक है। तो टी जो कराएगा 9:30 9 बजे आ रहा है, ठीक है जी। ये बात हो गई, टी इकोनॉमिक्स का है ये भी समझ आ गया हमें, ए जी कॉन्जिक्यूटिव हो गए, आर का इस हिसाब से हमारा आर का स्लॉट कौन सा बच गया, अब हमारा कॉन्जिक्यूटिव 10:30। ये लाइन ये वही वाली लाइन है जो अभी मैंने टी के लिए समझी है, मैंने आपको पहले भी समझाया है वीडियो में कि आर का एक स्लॉट हो रहा है 10 बजे, ठीक है। आर देखो दो स्टूडेंट्स को गाइड करेगा, टी के दो स्टूडेंट्स हो गए हमारे, टी के दो स्टूडेंट्स हो गए 9:30 पे, आर का एक स्टूडेंट हो गया मेरा 10 बजे, तो दूसरा जो स्टूडेंट है या तो वो 9:30 जाएगा या वो 10:30 जाएगा जो 10 का कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट होगा, ठीक है। अब मेरे पास जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का हर टाइम स्लॉट में जाना चाहिए, पहले पॉइंट में उसने यही मेंशन किया है कि सेमिनार्स में स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स शेड्यूल इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स। इकोनॉमिक्स का 9 बजे एक स्लॉट हो गया जो टी कराएगा, इकोनॉमिक्स का 9:30 बजे एक और हो गया जो टी कराएगा, टी भी तो इकोनॉमिक्स का ही है ना, 10 बजे आर ने करा दिया, तो 10:30 वाला जो स्लॉट है वो कौन कराएगा, वो भी तो आर ही कराएगा, इकोनॉमिक्स का हर स्लॉट में इकोनॉमिक्स का होना चाहिए ना, ठीक है। और वो वाला पॉइंट मैं आपको समझाना, वो ये समझाना चाह रही थी कि 10:30 को अगर मैंने मतलब अलग कर दिया तो कॉन्सिक्यूटिव वाला दूसरे वाले बंदे को कॉन्सिक्यूटिव कैसे मिल पाएगा, ठीक है। वो जी समझाना चाह रही थी, वो नहीं समझा रहा तो आप इससे समझ सकते हैं कि आर के पास जो टाइम बचा है अब वो 10:30 ही अवेलेबल है। अच्छा अभी डी ई एच है, ये तो हमारे ये तो क्लियर हो गया ना, 3 सोशल के हो गए, 1 एंथ्रो के हो गए, तो डी एच है तो इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 4 स्टूडेंट्स है ना, 1, 2, 3, 4 चार स्टूडेंट्स हो गए। अब मुझे ये नहीं पता कि इनको पढ़ा कौन रहा है, ओके एंथ्रोपोलॉजी को कौन पढ़ाएगा ये बताना जरा, क्या पी पढ़ा देगा, ये तो सोशो का है एंथ्रो का है नहीं, आर एन टी मेरे इकोनॉमिक्स के हो गए हैं, तो क्यू या एस में से कोई एक पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में क्यू एस में से कोई एक पढ़ाएगा, ओके। इकोनॉमिक्स में से यहाँ पर या तो आर आएगा या टी आएगा, सिमिलरली आर एन टी, सिमिलरली आर एन टी, तो यहाँ सोशो में बचे हुए कौन में से कौन आ जाएगा, क्यू या एस, तो एक अगर क्यू एंथ्रो को पढ़ा रहा है तो एस सोशो को एक पढ़ा लेगा, यानी जी को पढ़ाएगा, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो ये वाला सिनेरियो है, जहाँ पर आर आएगा वहाँ 10:30 आ जाएगा, जहाँ टी आएगा वह 9 एंड 9:30 आ जाएगा, ठीक है, इतना सिनेरियो बनेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में इफ कैन पॉसिबल मस्ट बी नेसेसरीली ये वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स हैं इट मीन्स कि केसेस बनेंगे और केसेस के हिसाब से इतना ही होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके 3 सेमिनार्स आर स्केड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, क्या 9 बजे 3 सेमिनार हुए हैं, 9 बजे एक तो सोशियोलॉजी का होगा और एक टी जिसको पढ़ाएगा, 2 ही सेमिनार होंगे 9 बजे, तो वही गई नहीं 3 सेमिनार, राइट। 2 सेमिनार्स आर स्केड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, यस 9 बजे फर्स्ट स्लॉट, यानी 9 बजे 2 सेमिनार हो रहे हैं, अभी हमने देखा एक तो सोशियोलॉजी वाला सीबी वाला, दूसरा टी जिसको कराएगा, तो 2 सेमिनार्स हमारे कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी हम सीडी भी देख लेते हैं, व्हाट इफ हमारा बी ऑप्शन डी में लास्ट में होता, तो ओनली 1 सेमिनार शेड्यूल इन सेकंड स्लॉट, नहीं सेकंड स्लॉट पे देखो तो बी वाला है, एक जी वाला है, एक टी जिसको पढ़ाएगा, तो 3 सेमिनार आएंगे सेकंड स्लॉट में। एंड लास्ट स्लॉट यानी 10:30 में हमारे कितने सेमिनार आ रहे हैं, 3 सेमिनार, 10:30 में तो हमारा सिर्फ 2 सेमिनार आएंगे, एक तो एफ वाला और आर जिसको कराएगा, 2 सेमिनार आएंगे, ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। Okay, let's see the another question. Who all are not guiding any economic student?
कौन है जो इकोनॉमिक स्टूडेंट को गाइड नहीं कर रहा है? इकोनॉमिक स्टूडेंट को गाइड कौन कौन कर रहा है? आर एंड टी। तो जिस ऑप्शन में मुझे आर टी मिलेंगे वो तो मेरा आंसर नहीं होगा, नॉट गाइडिंग बोल रहा है, ठीक है। जैसे अगर ऑप्शन नंबर बी देखूँ, टी आर एस, इसमें आर आ रहा है, आर तो गाइड करता है तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली आर एस में भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा, आर एस में भी आ रहा ये नहीं होगा, तो ए वुड बी माई करेक्ट आंसर, बिकॉज टी क्यू एस तीनों ही इकोनॉमिक स्टूडेंट को गाइड नहीं करते हैं, आर एंड टी करते हैं, ठीक है। नॉट गाइडिंग पूछा है, दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, लेट्स सी द अनदर वन। 33 में कह रहा है, देखिए देखो टोन कह रहा है नेसेसरली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली ट्रू मतलब पक्का से कुछ तो केस बन रहा होगा, तभी नेसेसरली वर्ड उसने डाला है, ठीक है। बी स्केड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, बी नो 9:30 पर हो रहा है, सेकंड स्लॉट गलत है। एच इज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, यस एच इकोनॉमिक स्टूडेंट है, दिस इज नेसेसरली ट्रू। क्यू इज गाइडिंग जी, एस इज गाइडिंग एफ, वी आर नॉट श्योर क्यू जी को गाइड कर रहा है कि क्यू एफ को गाइड कर रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर इन दिस। तो अगेन दिस वॉज इजी क्वेश्चन, तो ये तीनों क्वेश्चन तो बहुत आसान है, टफ नहीं है पजल बिल्कुल भी, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट हाँ मुझे एक एक पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर समझ सकती कि भाई आगे की एक लाइन भूल गए, दूसरी लाइन भूल गए, जो कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट वाली लाइन है, ए जी वाली लाइन है, ये सारी लाइन को सम अप करके बहुत ध्यान में रखोगे तो फटाफट बन जाएगी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डी स्केड्यूल इन अ स्लॉट लेटर देन क्यूज, इफ आ गया मतलब केस बनेगा। ओके देख लेते, टी को अगर क्यू के बाद वाले स्लॉट में रखा जाए, क्यू का स्लॉट, क्यू के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 10:30 में या 9:30 में। अगर मैं क्यू को 9:10:30 ले लूँ, तो 10:30 के बाद तो कोई स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, तो क्यू को मैं 10:30 तो ले नहीं सकती। तो इस हिसाब से क्यू मेरा 9:30 पर आ गया, मैं अपनी जो मेरा केस बन रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का जो केस है वो मैं इधर साइड में लिख रही हूँ आपको, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्यू एफ को नहीं पढ़ा सकता बिकॉज 10:30 के बाद का कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है जिसमें डी करा सके, ठीक है। तो क्यू का इस केस के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा मेरा, सॉरी इस क्वेश्चन के हिसाब से केस बनेगा मेरा कि क्यू जी को करा रहा है गाइड, ठीक है। तो एस इधर आ जाएगा एंड 9:30 के बाद का जो स्लॉट अवेलेबल है, क्यू स्केड्यूल इन स्लॉट लेटर देन डी स्केड्यूल इन स्लॉट लेटर देन क्यू, तो 9:30 के बाद मेरे पास दो स्लॉट अवेलेबल है, 10 एंड 10:30। 10 में जा नहीं सकता, 10 में इकलौता ए है, तो यानी 10:30 पर जाएगा, तो डी हो गया इस हिसाब से 10:30। 10:30 पर कौन है, कौन पढ़ाते हैं 10:30 पे, हमने निकाला था आर, टी तो सिर्फ 9 और 9:30 पर ही कराता है, आर के पास है ना 10:30 का स्लॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आर हो गया, तो यानी बाकी बचे दो स्टूडेंट्स को ई एन एच को टी कर पढ़ाएगा, ठीक है। तो टी पढ़ाएगा, इसमें इनका टाइम स्लॉट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 9:30 होगा, ये 10:30 हो गया, बट मुझे इन टी में से पता नहीं कि कौन 9 बजे कौन 9:30, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ई एन एच आर गाइडेड बाई टी, यस ई एन एच आर गाइडेड बाई टी, एज पर दिस सिनेरियो ई एन एच आर गाइडेड बाई टी, तो दिस इज करेक्ट। जी इज गाइडेड बाई क्यू, यस जी इज गाइडेड बाई क्यू, तो आई थिंक बोथ द स्टेटमेंट, नॉट आई थिंक दिस इज आई बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट एज पर दिस क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कंडीशन देता है। ओके इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ई एंड क्यू आर बोथ स्केड्यूल इन द सेम स्लॉट, ई एंड क्यू आर बोथ स्केड्यूल इन द सेम स्लॉट, तो अब इसमें मुझे दो केस मानने पड़ेंगे। लेट्स से कि पहला है मेरा क्यू, इधर मान लेती हूँ केस नंबर 1 क्वेश्चन 35 के लिए, केस 1 है क्यू मैंने इधर मान लिया है 10:30 पे, तो ई भी मेरा 10:30 पर, 10:30 पर होगा नहीं इसको आर कराएगा, ठीक है। तो ये 10:30 हो गया इसका, ध्यान से देखिएगा, तो ये एस हो जाएगा 9:30 पर और बची जगह पर मेरा टी टी आ जाएगा, एक 9 जाएगा एक 9:30 हो जाएगा। पहला केस है क्यू मैंने माना है एफ को गाइड कर रहा है, ठीक है। क्यू ई एंड क्यू आर बोथ स्केड्यूल इन द सेम स्लॉट, क्योंकि मेरे पास 10:30 का भी स्लॉट अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डी एच टी, डी एच टी का रिलेशनशिप देखना है मुझे, एटलीस्ट वन ऑफ डी एन एच इज गाइडेड बाई टी। देखो डी और एच में कौन, टी किस किस को गाइड कर रहा है, टी तो डी और एच में दोनों को गाइड कर रहा है, तो इसके हिसाब से बोथ आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा केस 1 है जब मैंने क्यू को 10:30 पे माना है। लेट्स सी केस 2 क्या कहता है। ओके आई एम मेकिंग माय केस 2 लेफ्ट हैंड साइड, अब ध्यान से देखिएगा इस साइड में बना रही हूँ अपना केस 2 क्वेश्चन 35 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यू को इधर लिख दिया है सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ दी केसेस, यानी क्यू अब आ रहा है मेरा 9:30 पे, तो ई को भी मुझे 9:30 पे रखना है, ई को 9:30 पर हो गया, 9:30 पर ई के लिए 9:30 वाला स्लॉट आर के पास तो अवेलेबल नहीं है, टी के पास अवेलेबल है, तो टी इधर चला जाएगा 9:30 पर, ठीक है। एंड एस इधर आ जाएगा एफ के पास 10:30 पर। अब डी और एच में से एक को आर कराएगा और एक को टी कराएगा, ये चीज समझ आई। टी के पास एक स्लॉट तो चला गया, अब एक बचा है, ठीक है, 9:30 पे तो वो किसी को गाइड कर रहा है।
9 o'clock के स्लॉट में या तो वो डीगो कर रहा होगा या एचको कर रहा होगा, और सिमिलरली आर भी 10:30 के स्लॉट में डीगो कर रहा होगा या एचको कर रहा होगा। अब इस केस को ध्यान में रखते हुए क्या मैं बोथ डीएनएच बोल सकती हूँ? नो, अब तो मेरा डीएनएच को नहीं कर रहा, डी और एच में से किसी एक को करेगा, एक को टी करेगा, एक को आर करेगा। तो अब इस वाले का आंसर होगा मेरा कि वन को कर रहा है, किसी एक को कर रहा है डी और एच में से। नाउ इफ आई हैव टू कंबाइन बोथ दी केसेस, जो मैंने केस पिछले वाले केस में बताया था कि दोनों को कर रहा है, इस वाले केस में बता रही हूँ एक को करेगा, अब मुझे बेस्ट ऑप्शन इसमें से निकालना हो तो एटलीस्ट वन वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट होगा। नाइदर तो हो नहीं सकता, बोथ हो नहीं सकता, एग्जैक्टली वन नहीं होगा। एग्जैक्टली वन हम तब बोलते हैं जब दोनों केस में एक एक को कर रहा होता, इस वाले केस में भी एक एक को करेगा, उस वाले केस में भी एक एक को करेगा, तब हम एग्जैक्टली वन बोलते हैं। सेकेंड केस में एक को करेगा, फर्स्ट केस में दोनों को करेगा, तो बेयर मिनिमम एक को तो करेगा ही करेगा दोनों केस में, तो एटलीस्ट वन वुड बी माई बेस्ट आंसर इस सिनेरियो में। आई होप समझ आया आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इजी वन, इफ डी स्केड्यूल इन द स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू, डी को अगर क्यू से इमीडिएटली बिफोर कर दिया जाए, ओके, क्यू को अगर 10:30 के स्लॉट में करूंगी तो उससे इमीडिएटली बिफोर वाला स्लॉट है मेरा 10:30 से 10 है, 10 वाले स्लॉट में इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 वाले स्लॉट में सिर्फ ए होगा, तो क्यू को उस केस में मुझे 9:30 के स्लॉट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो मेरे पिछले वाले क्वेश्चन का ही केस है, क्यू को मैंने 9:30 के स्लॉट में डाल दिया, एस 10:30 के स्लॉट में चला गया, ठीक है। आई हैड जस्ट रब दीज टू केसेस क्योंकि वो पुराने वाले की कंडीशन थी, ठीक है। उसने कहा है डी स्केड्यूल्ड इन द स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू, तो डी जो है क्यू से 9:30 से इमीडिएटली बिफोर, जस्ट रब एंड शो यू, 9:30 से इमीडिएटली बिफोर 9 बजे का स्लॉट होगा, 9 बजे का स्लॉट इज अवेलेबल विद टी, तो ये 9 बजे हो जाएगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, अब देखो ई के पास या तो आर होगा या टी होगा, सिमिलरली एच के पास भी आ रही है, टी में से कोई होगा। नॉट नेसेसरली ट्रू बोला है यार, ये नॉट वाले, फॉल्स वाले, मस्ट बी, ये वाले ऑप्शंस को एटलीस्ट ओनली, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। नॉट नेसेसरली ट्रू, डी इज गाइडेड बाई टी, यार ये तो पक्का से ट्रू है ना इस कंडीशन में, डी तो गाइड बाई टू है तो ये आंसर नहीं होगा। जी इज गाइडेड बाई क्यू, जी इज गाइडेड बाई क्यू, ये जी इज गाइडेड बाई क्यू, ये भी नहीं होगा, नॉट नेसेसरी ट्रू निकालना है। F is guided by S, yes, F is guided by S, ये भी सही है, तो D would be my correct answer. E is guided by R, no, we are not sure, E is guided by R or T. R और T में से कोई एक होगा, but we are not necessarily sure about it, ठीक है, तो D would be my correct answer this case. तो this was 6 questions puzzle, तो अगर ये puzzle किसी ने pick करी है, completely ठीक करी है, छे के छे, I know थोड़ा लग रहा होगा cases हैं, अगर मैंने सारी लाइंस को बहुत ध्यान में रखा है और सारे सिनेरियोस को बहुत अच्छे से समझा है तो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। डू अ ट्राई विद योर हैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट मैंने समझाया और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गई है, खुद से ट्राई कीजिए दोबारा से इसको एंड देन फिर से दोबारा वीडियो देखकर चेक कीजिए कि सॉल्यूशंस हमारे मैच करें नहीं करें, किस पॉइंट पे आप अटक रहे हो, वो पॉइंट आकर के समझिए दोबारा से, तब आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ ली और पजल समझ आ गई, या तो आप ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल पर हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप और अपने आपको बेटर करना चाहते हो तो डू इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये थी आज की पजल, 6 questions 18 मार्क्स इन योर बकेट, दैट वुड बी माशाल्लाह। अगर आप ऐसे एक पजल 6 की कर ली, 2-4 वाली पजल कर ली तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक लिटरली बहुत अच्छी बात है। 14 questions तो 42 marks, लाइक यू आर किलर इन रीजनिंग सेक्शन लिटरली, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम हमारी वीडियो के एंड पर आ गए हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे 2020 स्लॉट 2 की अगली पजल के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज वॉच आर अदर वीडियोस आल्सो एंड सपोर्ट अस, लिटरली हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अभी भी मैं पसीना पसीने हो रहा हूँ, यू डोंट नो, अभी वीडियो बनाने के लिए फैन वैन सब बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, एंड इट्स नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ, एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। बाय बाय।